पोठोहार टाइम्स है, मैं हूँ तारिक महमूद और इस वक्त हम लियाकत बाग में मौजूद हैं रावलपिंडी के ताजरान की तरफ से। हतमे नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकार किया गया और शदीद बारिश में हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जो हैं वो हाज़र रहे और हतमे नबूवत कॉन्फ्रेंस को बड़ी दिलजमी के साथ वो सुनते रहे। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो हतमे नबूवत के उनवान पर और इस पर किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और लोगों की लाखों की तादाद में हाज़िरी ये उस बिल के ऊपर मुंह के ऊपर तमांचा है, ट्रास्ट डेंजर बिल जो मंजूर किया गया और जो लोग पाकिस्तान को एक लिबरल सोसाइटी के तौर पर देखना चाहते हैं आज लाखों के मजमे ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत देखना चाहती है। लोगों के अंदर जोश और हरोश बहुत ज़्यादा है, लोग हतमे नबूवत के हवाले से शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत बन कर रहेगा और इसमें इस्लाम का नफास होगा। सारी पाकिस्तानी आवाम आज इस जलसे में जो ट्रांसजेंडर बिल है उसको मुस्तरद करती है और एक ही ख्वाहिश का इजहार करती है कि पाकिस्तान में इस्लाम के नफास के अलावा और कोई चीज़ कबूल नहीं है।